ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर संचिता लेखी सिंह जी जुड़ गई हैं। संचिता जी बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्ते। तो संचिता जी से जानते हैं कि आपका भविष्य क्या कहता है, आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है, कार्ड्स आपके बारे में क्या कुछ बताते हैं। शुरुआत करते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि से। जी, तो हम मेष राशि के लिए सबसे पहले कार्ड निकाल लेते हैं। तो मेष राशि के लिए बोल रहा है आज का जो दिन है वो बहुत खास है इनके लिए। जैसे हम कार्ड्स में देख सकते हैं इतनी सारी तलवारें बनी आ रही हैं, इसका मतलब होता है कि समय जो चल रहा था, इतने समय से जो भी बुरी चीज़ें हो रही थी वो कहीं ना कहीं अंत का कार्ड आ रहा है कि जहाँ एक अंत होता है वहीं पर एक बहुत अच्छी शुरुआत, एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग हमारे कार्ड्स में आ रहा है कि अगर आपकी कोई भी परेशानियाँ चल रही थी, आप किसी मुसीबत में फंसे हुए थे, तो वो समय अब आ गया है कि वो समय अब आपका कट जाएगा और एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग आती मुझे दिखाई दे रही है। आज के दिन मैं बोलूँगी आपके लिए सफ़ेद रंग बहुत अच्छा रहेगा, आपको वाइट कलर ज़रूर पहनना चाहिए। जी, तो बिल्कुल वाइट कलर आपको पहनना है और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, वो ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी। मेष राशि, वृषभ राशि अब आपके लिए जानते हैं। जी, जो इनके लिए भी हमें कार्ड निकाल लेते हैं। तो इनका जो कार्ड आ रहा है, इनका भी थोड़ा सा मानसिक परेशानियों का कार्ड आ रहा है कि आज के जो दिन है, कई बार हम बहुत ज़्यादा सोच विचार कर करके खुद को परेशान कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं ओवर थिंकिंग का कार्ड आ रहा है कि आप कई बार ओवर एनालाइज, ओवर थिंक करके खुद को परेशान कर लेते हैं। आज का जो दिन है, मैं बोलूँगी आपको काला रंग जो है अवॉइड करना चाहिए और सफ़ेद रंग आपके लिए अच्छा रहेगा। जी, तो ज़्यादा सोचना वैसे भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि काम करते रहिए और चीज़ें अपने हिसाब से होती रहेंगी, तो बहुत ज़्यादा मत सोचिए। और साथ ही साथ आपके लिए शुभ रंग क्या है ये भी हमें संचिता जी ने बताया। और अब आगे मिथुन राशि आपकी बात करते हैं। जी, तो इनके लिए भी हम एक यहाँ पे कार्ड निकाल लेते हैं। तो आज का जो दिन है, इनमें बोल रहा है कि ये जो कुछ चाह रहे हैं वो आज के दिन हो सकता है इन्हें ना मिले, कि कई बार जो हमें चीज़ मिल रही होती है हमें उसके कुछ ज़्यादा उम्मीद होती है। तो यहाँ पे जो कार्ड हम देख सकते हैं, जैसे आदमी मुँह मोड़ के जा रहा है, इसका यहाँ मतलब हो रहा है कि आज का जो दिन है इतना कुछ इनके पास है, फिर भी ये कुछ और ही खोज में लगे हुए हैं। तो इसमें बोलेंगे आज का जो दिन है, जितना आपके पास है हम उसी में खुश रहना सीखें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। कई बार हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं चीज़ों को और वैसी नहीं होती, तो मन थोड़ा सा उदास हो सकता है आज के दिन। आपको जो मैं बोलूँगी, लाल रंग आपके लिए अच्छा रहेगा। जी, लाल रंग आपके लिए अच्छा है और थोड़ी सी चीज़ें अगर आपके हिसाब से ना हो तो उदास मत होइए, क्योंकि टाइम एक जैसा नहीं रहता है, बदलता रहता है। तीन राशियों की बात हो गई है, आगे की तीन राशियों की बात करेंगे कर्क सिंह कन्या। और सबसे पहले कर्क आपके लिए। जी, जो कर्क राशि के लोग हैं उनके लिए हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो जो कर्क राशि है, आज का जो दिन है यहाँ पे बोल रहा है थोड़ा सा इमोशनल दिन है आपके लिए, कि किसी की कुछ छोटी छोटी बातों को लेके आपको बुरा लग सकता है। तो आज का जो दिन है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक आदमी है जिसने मुँह मोड़ रखा है यहाँ पे, कि ये किसी की सुनना नहीं चाहते, किसी की बात मानना नहीं चाह रहे हैं। तो मैं बोलूँगी आज का जो दिन है, हर बात को दिल पे ना लें, इतना इमोशनल ना हो और थोड़ा सा हर बात को हंसी मजाक में टालने की कोशिश करें आज के दिन, क्योंकि कोई छोटी सी बात भी हमें बुरी लग सकती है। आपके लिए मैं बोलूँगी हल्का नीला रंग बहुत अच्छा रहेगा। जी, तो हल्का नीला रंग आपको पहनना है, आपके लिए बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ छोटी चीज़ें आपको बुरी लग सकती हैं, दूसरों को बुरी लग सकती हैं, इसीलिए ऐसे मजाक ना करें जिससे दूसरों को कुछ बुरा लगे। और अब सिंह राशि आपके लिए जानते हैं। जी, जो सिंह राशि के लोग हैं उनके लिए हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो इनका जो यहाँ पे स्टेबिलिटी का कार्ड आ रहा है, ये बहुत अच्छा कार्ड होता है। जब आपकी लाइफ में कुछ छोटी छोटी परेशानियाँ आती रहती हैं या अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो बोल रहा है आपका जो समय आने वाला है, जो आज से शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में, वो धीरे धीरे स्टेबिलिटी लेकर आएगा आपकी लाइफ में, कि एक कहीं ना कहीं एक रूटीन सेट होना या आपकी जॉब में जो है प्रोग्रेस होना, इस तरीके का कार्ड आ रहा है। इसमें साथ ही साथ रहा है, जैसे यहाँ पे करियर से रिलेटेड हमारा कार्ड है, इसीलिए मैं बोल रही थी कि जॉब से रिलेटेड स्टेबिलिटी आ सकती है। अगर आप ढूंढ रहे थे बहुत समय से, तो जल्दी कोई अच्छी खबर आ जाएगी। आपके लिए मैं बोलूँगी पीला रंग अच्छा रहेगा, येलो कलर आपको पहनना चाहिए। जी, तो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, जॉब अगर आप चाहते हैं या जॉब में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, तो ये सही टाइम है, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सही होने लगेंगी। कन्या राशि अब आपकी बात करते हैं।
जी, जो कन्या राशि के लोग हैं उनके लिए भी हम यहाँ पे एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो कन्या राशि का बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है, ये हमारा सक्सेस का, विक्ट्री का कार्ड होता है कि अगर बहुत समय से कुछ आपकी बात में मन में इच्छा थी, कोई आप बात चाहते थे बोलना किसी को, या आप सक्सेस किसी चीज़ के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे, तो उसका आपको रिजल्ट ज़रूर अब आज के दिन आ जाएगा। ये हमारा विक्ट्री का कार्ड है कि जो भी आप आज करना चाहेंगे, कोई नई शुरुआत भी करना चाहते तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपके लिए मैं बोलूँगी लाल रंग अच्छा रहेगा। जी, और ये छह राशियों की बात हो गई है, आगे की राशियों की बात करेंगे। तुला, वृश्चिक, धनु। तुला सबसे पहले आपके लिए जानते हैं। जी, जो तुला राशि के लोग हैं उनके लिए भी हमें कार्ड यहाँ निकाल लेते हैं। तो तुला राशि के लिए यहाँ पे एक पॉजिटिव बिगनिंग का कार्ड आ रहा है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉइन बना हुआ आ रहा है। तो ये फाइनेंसेस और करियर से रिलेटेड आपका कार्ड आ रहा है कि अगर आप कोई नई शुरुआत आज के दिन करते हैं तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आपके कहीं पैसे बहुत समय से अटके हुए थे तो ये मनी कमिंग का कार्ड होता है कि पैसे सामने से आपकी तरफ आ रहे हैं, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आज के दिन आपको मिल सकती है। आपके लिए भी मैं बोलूँगी येलो कलर अच्छा रहेगा। तो अपॉर्चुनिटी पाने का ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, येलो कलर आपके लिए अच्छा है। वृश्चिक राशि, आपके लिए क्या कुछ खास है जानते हैं। जी, तो इनके लिए भी हमें कार्ड यहाँ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इनका एम्परर का कार्ड आ रहा है, जो फिर से चार नंबर का जो हमारा कार्ड रहता है वो भी एक स्टेबिलिटी का कार्ड रहता है कि जैसे कुर्सी के चार पाए होते हैं वैसे ही एक स्टेबिलिटी, स्थिरता बनती मुझे नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। जैसे ये एम्परर की जैसे आप आराम से बैठा हुआ है, वैसे ही कहीं ना कहीं जो आपकी मेहनत आप इतने समय से कर रहे थे उसकी मदद से आपको स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में जल्द ही नज़र आ रही है, मुझे बनती भी। आपके लिए भी मैं बोलूँगी लाल रंग बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि की। जी, तो इनके लिए भी हम यहाँ पे कार्ड निकाल लेते हैं। तो इनका जो कार्ड आ रहा है ये हमारा क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, जैसे यहाँ पे एक लेडी हमें दिखाई दे रही है। और जहाँ भी कप्स की बात होती है तो ये हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड आ रहा है कि आज का जो दिन है आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग, जो आपकी जैसे आप किसी के फ्रेंड हैं या आप मदर हैं, सिस्टर है, तो कहीं ना कहीं घर परिवार दोस्तों में आज का दिन जाएगा, जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं उनके साथ आज आपका समय बीतेगा। आपके लिए मैं बोलूँगी नीला रंग अच्छा रहेगा। और ये तो बात हुई धनु राशि की, और अब आगे बढ़ते हैं मकर, कुंभ, मीन, आपके लिए जानते हैं। मकर सबसे पहले आपके लिए। जी, जो मकर राशि है उनके लिए हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो मकर राशि के लिए बोल रहा है कि बहुत अच्छा समय है कि अगर आप कोई बड़ा फैसला लेना चाह रहे हैं, ये फैसले की घड़ी दिखाई दे रही है कि बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चल रही है पर सही फैसला लेने में अब आपको ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छा समय है कि आपके मन में जो भी चीज़ें हैं आप उसका फैसला करें और लाइफ में आगे बढ़े। सोच विचार करने में अब आपको बहुत समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। आपके लिए मैं बोलूँगी लाल रंग अच्छा रहेगा। जी, और अब कुंभ राशि आपके लिए भी जानते हैं, आपके लिए क्या खास है। जी, जो कुंभ राशि के लोग हैं उनके लिए भी हमें कार्ड निकाल लेते हैं। तो कुंभ राशि के लिए बोल रहा है आज का जो दिन है वो कहीं ना कहीं आसपास की चीज़ों को सुन के, आसपास की बातें सुन के कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों में फंस सकते हैं। जैसे हम कार्ड में देख रहे हैं कि यहाँ पे इतनी सारी तलवारें हैं, आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, कि दूसरों की नेगेटिव बातें कई बार हम सुन के, कोई गॉसिप सुन के, इधर उधर की बातों में मन लगा के कहीं ना कहीं हम उसी बातों में उलझ जाते हैं। तो आपको ऐसी चीज़ों से आज के दिन बच के रहना चाहिए। मैं बोलूँगी आपके लिए सफ़ेद रंग अच्छा रहेगा। जी, तो ये तो बात हो गई मकर राशि की, कुंभ राशि की, और अब मीन राशि की बात करते हैं। जी, जो मीन राशि के लोग हैं उनके लिए भी हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो मीन राशि का यहाँ पे हैप्पीनेस का कार्ड आ रहा है कि जो भी ये चाह रहे थे बहुत समय से वैसी वैसी ही चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। अगर आपको कोई घर लेना था या कहीं आप शहर से शिफ्ट होना चाह रहे थे कि बहुत समय से कोई काम नहीं बन रहा था, तो अब मुझे दिख रहा है कि वो समय आ गया है कि धीरे धीरे आपके काम बनने लगेंगे और जैसा जैसा आप सोच विचार कर रहे हैं वैसी वैसी चीज़ें ही हो रही हैं। आपके लिए मैं बोलूंगी येलो कलर अच्छा रहेगा। जी, तो राशियों की तो बात हो गई, और अब आखिर में जान लेते हैं आज का
टैरो टिप क्या है, क्या कुछ खास करना है हमें आज के दिन? तो आज का जो दिन है, बोलते हैं कि आज के दिन आपको जो है जौ ज़रूर उगानी चाहिए। ये एक बहुत आसान सी चीज़ है कि जो जौ होती है वो कहीं ना कहीं जो है अन्नपूर्णा देवी से जुड़ी होती है। तो आज का जो दिन है आपको जौ दान ज़रूर करना चाहिए। आप किसी भी गरीब इंसान को या ज़रूरतमंद को दे सकते हैं दान में। जी, तो ये तो आज का टैरो टिप हुआ। ये तो आपके लिए आज दान कैसे करना है, किस चीज़ का करना है, ये संचिता जी ने बताया और साथ ही साथ राशिफल भी आपको दिया। बहुत बहुत शुक्रिया संचिता जी। नमस्ते। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।